हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड फ्रॉम टैगोर स्कूल पर्वत सर, एंड इट इज अवर क्लास ऑफ सोशल स्टडीज क्लास सिक्स। ये हमारी सोशल स्टडीज की क्लास है सिक्स क्लास की, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट लेसन। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री सेक्शन। इस बुक में थ्री सेक्शन यहां दिए गए हैं। ये बुक डिवाइडेड है थ्री सेक्शंस में। फर्स्ट सेक्शन इज हिस्ट्री, सेकंड सेक्शन इज ज्योग्राफी, एंड थर्ड सेक्शन इज पॉलिटिकल साइंस। वी आर स्टडिंग द फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पहला सेक्शन हिस्ट्री का, और उसमें फर्स्ट लेसन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एंड फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहां, कैसे और कब, एंड ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू हिस्ट्री। और ये चारों ही जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हिस्ट्री के बारे में हैं, कि हिस्ट्री क्या है, वो वेयर मींस कहां ये घटनाएं हुई जो हिस्ट्री में होती है, हाउ यानी कैसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, और व्हेन यानी कब वो घटनाएं हुई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में हिस्ट्री के बारे में रहते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर इस फर्स्ट लेसन में देने की कोशिश की गई है। ये लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ इसका पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई हैव पोस्टेड थ्री वीडियोज ऑफ दिस लेसन। मैं इस लेसन के थ्री वीडियोज पोस्ट कर चुका हूं, एंड इट इज द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस लेसन। और ये आज का जो वीडियो है ये इस लेसन का फोर्थ वीडियो है, एंड इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस थ्री वीडियोज, इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने पिछले तीन वीडियो नहीं देखे हैं, दे शुड वॉच देम फर्स्ट। पहले उनको, पहले वो थ्री वीडियोज आप देखें, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें पूरे लेसन को। आई एम पुटिंग ए समरी अगेंस्ट यू। आपके सामने में एक समरी, छोटा सारांश रखने जा रहा हूं जो आज अभी तक हमने पढ़ा है, ताकि एक बार ये चीजें आपके माइंड में रिकॉल हो जाए और आप आज के सब्जेक्ट से कनेक्ट हो सकें, जुड़ सकें। डियर स्टूडेंट्स, इट दिस लेसन इज स्टार्टेड फ्रॉम ए क्वेश्चन विच केम इन द रशीदाज माइंड। रशीदा एक लड़की है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है जब वो एक न्यूज़पेपर पढ़ती है, अखबार पढ़ती है। Before 100 years ago, एक सौ साल पहले, ऐसा अखबार में एक लाइन वो देखती है 100 years ago, तो वो सोचती है कि 100 साल पहले की घटनाएं, इतने पुरानी घटनाएं कैसे पता चलती होगी, कैसे किसी को ये पता चलता होगा कि क्या इतने वर्षों पहले हुआ था। और यहीं से ये लेसन स्टार्ट होता है। वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इतिहास क्या होता है। तो इतिहास एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है पास्ट की, यानी पुरानी घटनाओं को जब हम व्यवस्थित रूप से उसकी इंक्वायरी यानी अनुसंधान करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको हिस्ट्री कहा जाता है। और हिस्ट्री हमें बताती है कि पुराने जो लोग हुए थे उनको, उनके बारे में हिस्ट्री हमें बताती है, उनके कल्चर के बारे में, उन्होंने कैसे बैटल्स फॉट किए यानी कैसे युद्ध लड़े, कैसे विभिन्न जो किंगडम्स थे, जो साम्राज्य थे, वो राइज या रोज हुए यानी उभरे, और फेल यानी गिरे। ये बहुत सारी चीजें हिस्ट्री हमें बताती है। और उसके बाद में हमने पॉइंट वाइज यहां पर पढ़ा कि हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई स्टडी इट, हम इसको हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं। तो यहां पर फोर पॉइंट्स हमने पढ़े कि हिस्ट्री में हिस्ट्री हमें बताती है कि चीजों का आविष्कार कैसे हुआ, हिस्ट्री हमें बताती है लोगों की आजीविका के बारे में कि कैसे लोग अपना जीवन गुजारते थे, हिस्ट्री हमें बताती है कि कैसे लोगों ने धरती के विभिन्न हिस्सों को ढूंढा, कैसे हजारों किलोमीटर की यात्राएं की, हिस्ट्री हमें बताती है भविष्य के लिए अच्छा डिसीजन लेने के लिए, कि आगे हम, आगे आने वाले फ्यूचर में हम अच्छा डिसीजन ले सके, क्योंकि जो मिस्टेक्स, जो भूलें हिस्ट्री में हमारे लोगों ने की, वो हम आगे से नहीं करें। ये फोर पॉइंट्स हमने पढ़े कि हिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं, और संक्षेप में हमने यहां पर ये पढ़ा कि हिस्ट्री हमें आने वाले कल को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करती है, कि आने वाला कल बेहतर हो, हम अच्छे डिसीजंस ले सकें फ्यूचर में, ये हिस्ट्री हमें बताती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी जो होती है,
ज्योग्राफी यानी भूगोल जो होता है, यानी धरती के जो अलग अलग हिस्से हैं, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्योग्राफी कहलाती है, भूगोल कहलाती है। तो जो भूगोल है वो कैसे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, यानी प्रभावित करता है। तो जिस परिस्थिति में व्यक्ति रहेगा, जैसे भौगोलिक क्षेत्र में वो रहेगा, वैसे ही उसका खान पान होगा, वैसे ही वो कपड़े पहनेगा, वैसे ही उसकी जीवन जीने की स्टाइल होगी, वैसे ही वो आजीविका होगी। तो सारी चीजों को जियोग्राफी भी इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्ली सेटलर्स इन इंडिया, भारत में जो सबसे प्राचीन जो लोग बसने वाले लोग थे, सबसे पहले जो बसने वाले लोग थे उनके बारे में हमने पढ़ा कि नर्मदा जो रिवर है इसके बैंक का जो अलोंग एरिया है, बैंक यानी तट के पास का जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले लोगों को बसने के प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे पहले खेती कहाँ पर हुई, तो ये किरथर और ये सुलेमान की जो पहाड़ियां हैं, 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ की खेती होने का वहां प्रमाण मिलता है। इसी तरह गारो हिल्स जो कि मेघालय में है, यहां पर भी खेती होने का प्रमाण मिलते हैं। और ये जो शुरुआत की जो सिटीज बनी, जो शहर बने शुरुआत में, वो इंडस रिवर के तट पर यानी सिंधु नदी के तट पर शुरुआती शहर बने, लेकिन बड़े जो शहर विकसित हुए, फ्लरिश्ड हुए, वो गंगा वैली में यानी गंगा की घाटी में 2500 वर्ष पहले हुए। और यहाँ पर कई सारे साम्राज्य, जो प्रसिद्ध साम्राज्य किंगडम हुए, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, ये सब इंडो गैंगेटिक यानी गंगा के मैदान में यानी उत्तर भारत में ये विकसित हुए। और वो क्यों विकसित हुए, तो हमने ये भी पढ़ा कि वो इसलिए गंगा नदी के तटों पर या उसकी घाटी में ये सारे लोग बसे और विकसित हुए, बड़ी बड़ी सिटीज वहां पर बनी। क्यों बनी, क्योंकि वहां फर्टाइल लैंड थी यानी उपजाऊ धरती थी, प्लेंटीफुल वाटर यानी पर्याप्त पानी था, गुड क्लाइमेट यानी एक अच्छी जलवायु थी, इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स, नदियों के थ्रू यानी नदियों के द्वारा इजी ट्रांसपोर्ट था, जाना आना इजी था, यातायात सुगम था। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में, इन प्रीवियस थ्री वीडियोज, पिछले तीन वीडियोज में। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर टूडेज स्टडी, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको थ्री क्वेश्चन दिए थे रिटर्न वर्क में करने के लिए, 1, 2 और 3, और इनके आंसर्स भी मैंने आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में। तो यहां तक हम लोग कर चुके हैं, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने जरूर ये बताए हुए क्वेश्चन अपनी नोटबुक्स में किए होंगे। लेट्स स्टार्ट टूडेज स्टडी, आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। लुक एट द स्क्रीन केयरफुली, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, एंड मेक द कंसंट्रेशन, और एकाग्र चित्त होकर के ध्यान देना है। द हिमालयन रेंजेज, हिमालय पर्वतमाला इन द नॉर्थ यानी उत्तर में हिमालय पर्वतमाला सेपरेट्स यानी अलग करती है इंडिया, भारत को, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में। आपको पता हो तो आपने अगर वर्ल्ड यानी संसार का अगर आपने मैप देखा हो तो आपको आपको याद होगा कि जो इंडिया है वो एशिया के नीचे ही नीचे है। याद कीजिए आप वर्ल्ड का मैप, एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया जो महाद्वीप है, उसके सबसे नीचे भारत है यानी दक्षिणी एशिया में एकदम लास्ट में है, नीचे फिर महासागर आ जाता है, हिंद महासागर। तो ये जो बाकी के जो आक्रमणकारी थे, जैसे मुगल है या और भी कई है, वो मध्य एशिया से आए थे। तो ये मध्य एशिया से भारत को सेपरेट करने वाली कोई चीज है तो वो है हिमालय रेंजेज। हिमालय जो पर्वतमाला है वो मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से इंडिया को सेपरेट करती है, भारत की एक तरह से रक्षा करती है ये पहाड़ियां। ये इतनी ऊंची और ठंडी पहाड़ियां हैं कि इनको पार करके आना बड़ा मुश्किल है, इसलिए भारत की सुरक्षा भी करती है ये जो हिमालय रेंजेज हैं। तो यहां पर ये कहा गया है द हिमालय रेंजेज इन द नॉर्थ, नॉर्थ में यानी उत्तर में हिमालय की जो पर्वतमाला है सेपरेट्स यानी अलग करती है इंडिया यानी भारत को फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से, प्रोटेक्टिंग इट और इसकी सुरक्षा करती है भारत की फ्रॉम कोल्ड विंड्स,
ठंडी हवाओं से एंड आल्सो प्रोटेक्ट अस और हमें सुरक्षा देती है फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस विदेशी आक्रमणों से। विदेशी आक्रमणों से फॉरेन यानी विदेशी इन्वेशंस यानी आक्रमणों से हमें प्रोटेक्शन देती है ये पहाड़ियां हिमालय रेंजेज। तो हिमालय की जो रेंजेज है वो हमारे लिए दो तरीकों से हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक तो ये हमें कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करती है ये हिमालय रेंजेज, और जो फॉरेन इन्वेशंस है यानी विदेशी जो आक्रमण है उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करती है। दाऊ यानी हालांकि एट द सेम टाइम इसी समय ए नंबर ऑफ माउंटेन्स माउंटेन पासेज, पासेज का मतलब होता है दर्रा। दर्रा क्या होता है? पहाड़ियों के बीच में कई बार जगह होती है जिनमें से जा आ सकते हैं, कोई निकल सकता है। ये जो पहाड़ियों के बीच के रास्ते होते हैं इनको पासेज कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में दर्रा कहते हैं इनको। तो जो ये पहाड़ियां हैं हिमालय की जो पर्वत हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे रास्ते भी बने हुए हैं बीच बीच में, इन पहाड़ियों के बीच बीच में कुछ पासेज हैं, कुछ रास्ते हैं। फिर से मैं बताता हूं, दाऊ यानी हालांकि एट द सेम टाइम इसी समय ए नंबर ऑफ माउंटेन पासेज, बहुत बड़ी संख्या में पर्वतों के जो दर्रे हैं इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, उत्तरी पश्चिमी हिमालय में, उत्तरी पश्चिमी यानी ऊपर की तरफ दाईं ओर, नॉर्थ ऊपर होता है वेस्ट राइट साइड में होता है, तो बीच की नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्ट होता है लेफ्ट साइड में, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा नॉर्थ ऊपर है इसमें और वेस्ट इधर है, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब हो गया ये बीच वाली साइड। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट साइड है भारत की, दाऊ हालांकि एट द सेम टाइम इसी समय ए नंबर ऑफ माउंटेन पासेज, बहुत बड़ी एक संख्या में जो ये पर्वतीय दर्रे हैं माउंटेन पासेज हैं इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, उत्तरी पश्चिमी हिमालय में अलाउड यानी इन्होंने अनुमति दी, ये जो पासेज हैं इनके कारण से सम इन्वेंडर्स यानी कुछ हमलावर, कुछ आक्रमणकारी, उनको इन दर्रों ने, इन पासेज ने अलाउ किया यानी आने दिया टू क्रॉस इनटू द इंडिया, इंडिया में क्रॉस होकर आने के लिए अलाउ किया। इस पूरे सेंटेंस का जो सेंस है वो ये है कि हिमालय जो रेंज है उसमें नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यानी उत्तरी पश्चिमी साइड में कुछ ऐसे माउंटेन पासेज हैं, कुछ पर्वतीय ऐसे दर्रे हैं जिन्होंने अलाउ किया कुछ आक्रमणकारियों को आने दिया उन्होंने, यानी उनमें से होकर आए कुछ इन्वेंडर्स यानी आक्रमणकारी भारत में क्रॉस करने के लिए इन दर्रों ने उनको अलाउ किया। अलाउ किया का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी खड़ा है वो अनुमति दे रहा है, इसका सेंस ये है कि उनको वो लोग जो कुछ जो इन्वेंडर्स है, कुछ जो आक्रमणकारी है, वो उन दर्रों में से होते हुए, उन पासेज में से क्रॉस होते हुए इंडिया में आए। मैनी ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स, कई यात्री और व्यापारी आल्सो एंटर्ड द कंट्री, इन्होंने भी कंट्री में यानी देश में प्रवेश किया, एंटर किया थ्रू दीज पासेज, इन पासेज में से, ये जो दर्रे हैं हिंदी में जिसको दर्रे कहते हैं, तो ये जो पासेज हैं इनमें से कुछ ट्रेडर्स भी आए, कुछ इन्वेंडर्स यानी हमलावर भी आए, ट्रेडर्स यानी व्यापारी भी आए और कुछ ट्रेवलर्स यानी यात्री भी आए, इन्होंने भी इंडिया में इन दर्रों में से, इन पासेज में से एंटर किया। ब्रिंगिंग अबाउट एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ब्रिंगिंग अबाउट यानी लाने के लिए, अब ये जो लोग आए इंडिया में जिन्होंने एंटर किया, ब्रिंगिंग अबाउट ए एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइडियाज एंड कल्चर्स, ये लेकर आए एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स यानी सामान, एक्सचेंज यानी आदान प्रदान, सामान का आदान प्रदान, आइडियाज यानी विचार एंड कल्चर्स यानी संस्कृति। ये जो कल्चर, आइडिया और गुड्स, ये तीन चीजें यहां पर बताई गई है, कल्चर यानी संस्कृति, आइडियाज यानी विचार और गुड्स यानी सामान, इन तीनों चीजों का एक्सचेंज लेकर के आए ये जो लोग आए भारत में इन पासेज में से होकर के, वो भले ही ट्रेडर्स होंगे, भले ही वो ट्रेवलर्स होंगे, भले ही वो इन्वेडर्स इन्वेंडर्स होंगे, लेकिन वो जो लोग भी भारत में आए
वो लेकर के आए, वो इनका आदान प्रदान लेकर आए। किन चीजों का? सामान वो लेकर आते थे, व्यापारी होते थे तो वापस भी लेके जाते थे, तो गुड्स का एक्सचेंज होता था, यानी सामान का आदान प्रदान होता था। आइडियाज यानी विचारों का आदान प्रदान हुआ। कल्चर यानी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ, यानी उनकी संस्कृति की बातें यहाँ पर इंडिया के लोगों ने सीखी या भारत की चीजें वो सीख करके गए, तो इन चीजों का एक्सचेंज वो लोग लेकर आए। एक तो ये पॉइंट हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर कहते हैं प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप भारत को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जो लैंड, जो धरती तीन तरफ से पानी से घिरी रहती है उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो भारत एक पेनिनसुला भी है क्योंकि सुरक्षित है ये तीन तरफ से पानी से। इन पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत में इन द साउथ, साउथ में। अब ये साउथ का जो एरिया है अपने भारत में, ये जो नीचे साउथ होता है तो ये पेनिनसुला होता है। नीचे का जो एरिया वो पेनिनसुला है क्योंकि ये तीन तरफ से वाटर से सराउंडेड है, तो इसलिए इसको जो साउथ इंडिया है, दक्षिण का जो भारत है, इसको पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। इन पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत में इन द साउथ दक्षिण में द कंट्रीज लॉन्ग कोस्ट लाइन, देश की जो लंबी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब समुद्र तट। देखिए कितना बड़ा समुद्र तट है भारत का, यहां से शुरू होता है समुद्र तट, ये पूरा समुद्र तट है, यहां से लेके बहुत बड़ा समुद्र तट है भारत में। तो ये जो जिसको कोस्ट लाइन कहते हैं, तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है साउथ में, द कंट्रीज लॉन्ग कोस्ट लाइन, जो देश की लंबी समुद्रीय तट रेखा है, अलाउड यानी इसने भी अलाउ किया, यानी इनमें से भी होकर के आए ट्रेड, अलाउड ट्रेड इन्होंने, इस लंबी समुद्रीय तट रेखा ने किसको अलाउ किया? ट्रेड को, ट्रेड यानी व्यापार को, टू फ्लरिश, फलने फूलने के लिए, विद फार ऑफ कंट्रीज, दूर दूर के देशों से, लाइक इजिप्ट एंड रोम, जैसे कि इजिप्ट, मिश्र और रोम। इस दूर दूर के देश, इजिप्ट और रोम बहुत दूर के देश हैं भारत से, उन दूर के फार ऑफ यानी बहुत दूर के इजिप्ट और रोम जैसे कंट्रीज के साथ व्यापार को फलने फूलने के लिए अलाउ किया। किसने किया? ये जो लंबी समुद्र तट है भारत का, ये जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है भारत की, यानी इस जल मार्ग से, ये जो बड़ा एक समुद्र का तट है भारत में, तो इस बड़े समुद्र के तट के कारण दूर दूर के देशों से भारत का समुद्री व्यापार शुरू हुआ। तो ये जो देखो यहां पर दो चीजें आई है कि दो रास्ते थे भारत में जिनके माध्यम से भारत में आए लोग। एक तो नॉर्थ वेस्ट के जो पासेज हैं हिमालय रेंजेज के, उनमें से होकर के आए व्यापारी, ट्रेडर आए, ये ट्रेवलर्स आए, इन्वेंडर्स आए। तो एक तो रास्ता था ये नॉर्थ वेस्ट के जो पासेज थे इंडिया के, ये हिमालय रेंजेज के, उसमें से होकर आए। दूसरे आने का जो साधन था वो था ये पेनिनसुलर जो इंडिया है, दक्षिण का जो भारत है, इसका जो लंबा एक समुद्री तट है, जो ये कोस्ट लाइन है इसकी, इसने भी अलाउ किया ट्रेडर्स को, यानी ट्रेडर यानी ट्रेड यानी व्यापार को फ्लरिश होने में इसने भी मदद की, यानी इसके कारण से भी व्यापार फ्लरिश हुआ भारत में, यानी फला फूला। नेक्स्ट इज अगला, दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज। ये जो गुड्स यानी सामान और आइडियाज यानी विचारों का जो एक्सचेंज था, जो ये आदान प्रदान था। देखिए दो रास्तों से भारत में लोग आए, ये हमने पढ़ा, एक तो नॉर्थ वेस्ट का हिमालय रेंजेज के जो पासेज हैं वो, और सेकंड जो पेनिनसुलर इंडिया है नीचे वाला, उसके जो एक लॉन्ग जिसकी कोस्ट लाइन है, समुद्री रेखा है, समुद्री तट है। ये दो रास्ते थे लोगों के भारत में आने के, लेकिन जो भी लोग भारत में आए उनके साथ जो सामान और आइडियाज का जो एक्सचेंज हुआ, सामान का एक्सचेंज हुआ और आइडियाज का एक्सचेंज हुआ, एज आल्सो रिलीजियस एंड कल्चरल मोर्स। रिलीजियस यानी धार्मिक रूप, धार्मिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक मोर्स, यानी इस तरह की भी खूब सारी चीजों का आदान प्रदान हुआ। रिलीजियस यानी धार्मिक चीजों का भी एक्सचेंज हुआ, धार्मिक, क्योंकि वो जो लोग आए वो दूसरे धर्म को लेकर आए, और
कल्चर यानी वो दूसरी कल्चर को यानी संस्कृति को भी लेकर आए। तो इन सब चीजों का आदान प्रदान हुआ, सामान का भी हुआ, आइडियाज का भी हुआ, रिलीजियस यानी धार्मिक चीजों का भी हुआ, कल्चरल यानी सांस्कृतिक चीजों का भी, मोर्स यानी इस तरह की चीजों का और अधिक चीजों का आदान प्रदान हुआ। और जिससे क्या हुआ, ग्रेजुअली इन सब चीजों ने ग्रेजुअली लेड टू, इसके कारण से इन सब चीजों ने प्रतिनिधित्व किया। लेड टू का मतलब होता है प्रतिनिधित्व किया, यानी ये जो आदान प्रदान हुआ इन सब चीजों का, उन्होंने हमारी चीजें सीखी, हमने उनकी चीजें सीखी, ये जो एक्सचेंज हुआ ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, लेड टू यानी इन सब चीजों ने प्रतिनिधित्व किया, यानी इन सब चीजों के कारण से क्या हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का विकास एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, और कस्बों और शहरों का की वृद्धि, कस्बों और शहरों की वृद्धि हुई, ग्रोथ हुई, और जो सिविलाइजेशन होता है, जो सभ्यता होती है, उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ। क्योंकि ये जो बाहर से लोग आए, इन्होंने बहुत सारी चीजें यहां पर लोगों को सिखाई और उन्होंने भी यहां से बहुत सारी चीजें सीखी, तो इस तरह बहुत सारी चीजों का एक्सचेंज हुआ। फिर धीरे धीरे उनकी जनसंख्या भी बढ़ती गई, तो उस कारण से भी सिटीज, वो एक जगह रहते थे तो वो सिटीज बनती गई। फिर विद टाइम, समय के साथ, दे डेवलप्ड, वे विकसित हुए इनटू लार्ज एंड प्रॉस्पीरियस किंगडम्स। और इस तरह से जो सिटीज बनी, जो धीरे धीरे शहर बने, कस्बे बने, और धीरे धीरे समय के साथ, विद टाइम समय के साथ, दे डेवलप्ड, वे विकसित हुए, वो जो टाउन और सिटीज थे वो विकसित हुए इनटू लार्ज एंड प्रॉस्पीरियस किंगडम्स, बड़े और वैभवशाली साम्राज्यों में। लार्ज यानी बड़े, प्रॉस्पीरियस यानी समृद्ध, बड़े और समृद्ध किंगडम्स में वो डेवलप हो गए, वो जो शहर बने थे, वो जो टाउन्स बने जहां पर लोग इकट्ठे होते गए, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनती गई, और वो बाद में जाकर के बड़े बड़े साम्राज्य बन गए। लाइक द चोलाज एंड चेरेज, चोल साम्राज्य और चेर साम्राज्य, चोल और चेर ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध किंगडम थे, प्रसिद्ध साम्राज्य थे, चोल और चेर, इन जैसे साम्राज्य वहां पर विकसित हो गए। मैनी ऑफ दीज साउथर्न किंगडम्स, इनमें से कई सारे दक्षिणी साम्राज्य हैड यानी रखते थे स्ट्रॉन्ग नेवीज, नेवी मतलब समुद्री सेना, मजबूत समुद्री सेना रखते थे। इनमें से जो चोल साम्राज्य था, जो चेर साम्राज्य था, जो साउथ के थे, ये सब, ये दोनों नाम साउथ के हैं, दक्षिणी भारत के, तो इन जो दक्षिणी भारत के जो किंगडम थे, ये चोल और चेर जैसे, इनमें से कईयों के पास में स्ट्रॉन्ग नेवीज, मजबूत समुद्री सेना थी, एंड कॉलोनाइज्ड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका। और श्रीलंका नीचे ही नीचे है, ये यहां पर मैं आपको बता दूं, श्रीलंका ये नीचे जो एकदम ऐसा आता है बिंदु जैसा, ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ यानी दक्षिणी, ईस्ट यानी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी एशिया और श्रीलंका के कई सारे हिस्से कॉलोनाइज्ड यानी व्यवस्थित रूप से बसे हुए, जो ये श्रीलंका और साउथ ईस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ ऐसे हिस्से इनके पास थे, इन चोल और चेर्स जो इस तरह के साम्राज्य हुए दक्षिण भारत में, इनके पास में एक तो मजबूत समुद्री सेना थी, स्ट्रॉन्ग नेवीज थी, और ये श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई सारे कॉलोनाइज्ड पार्ट्स यानी सुव्यवस्थित बसे हुए पार्ट्स इनके आधिपत्य में थे, इनके साम्राज्य में थे। तो हमने अभी पढ़ा कि कैसे साम्राज्य बने, उसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे बाहर से लोग आए, किन किन रास्तों से आए, और बाद में यहां आने के बाद में उनकी जनसंख्या बढ़ी, चीजों का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ, कल्चर का एक्सचेंज हुआ, गुड्स का एक्सचेंज हुआ, आइडियाज का एक्सचेंज हुआ, और धीरे धीरे कस्बे बने, टाउन्स डेवलप हुए, फिर सिटीज डेवलप हुई, और धीरे धीरे फिर वो एक साम्राज्य में डेवलप हो गए, दक्षिणी भारत के यानी साउथ इंडिया में। चोल और चेर ऐसे ही किंगडम थे जो बाद में वेल डेवलप्ड हो गए, और ये इनके अंडर में साउथ इंडिया के साथ साथ श्रीलंका और साउथ ईस्ट जो
एशिया है उसके काफी कॉलोनाइज्ड पार्ट भी इनके अंडर में थे। इस तरह से इन साम्राज्यों का विकास हुआ। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइमलाइन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, जो समय रेखा है, हिस्ट्री यानी इतिहास की जो टाइमलाइन है, यानी जो समय रेखा है, समय के साथ साथ जो घटनाएं होती है उसको टाइमलाइन कहते हैं। डेट्स एंड इवेंट्स, तारीखें और घटनाएं। आपने कई चीजें पढ़ी होगी कई बार, एडी, आपने ये दो टर्म बार बार पढ़ी होगी, समय के, समय को दर्शाने के लिए बीसीई और सीई। ये दो शब्द हर एक सन के साथ जुड़े रहते हैं, ये भी है और भी इनके साथ में कुछ और भी ऐसे शब्द, ये संक्षिप्त शब्द हैं, एब्रीविएशंस हैं, जो कि समय को जब बताया जाता है, सन को बताया जाता है या टाइम को जब बताया जाता है तो उसके साथ ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं, या तो बीसीई लिखा रहता है या सीई लिखा रहता है। ये चीजें हैं क्या, इनको हम समझेंगे ताकि हम लोग जब भी कोई सन हमारे सामने आए, कोई भी टाइम पीरियड हमें बताया जाए तो हम उसको समझ सकें। सो दैट पॉइंट इज टाइमलाइन इन हिस्ट्री। इसलिए जो बिंदु है वो है हिस्ट्री में टाइमलाइन, यानी इतिहास की समय रेखा, और डेट्स एंड इवेंट्स, तारीखें और घटनाएं। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस डायग्राम के थ्रू। ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, जो जो ईसाई लोग हैं पूरी दुनिया में, उनका प्रभाव रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो ईसाई समुदाय है, अंग्रेज लोग मोस्टली क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं, तो अंग्रेजों का साम्राज्य रहा पूरी दुनिया में, और जिसके पास ताकत होती है उसी की चीजें पूरी दुनिया में चलती है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचलित कर दी और आज भी वो चल रही है। जैसे आज हम लोग जिस सन का यूज करते हैं, अभी क्या चल रहा है, कोई किसी को पूछे तो 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो ये 2020 किसका चलाया हुआ टाइम है, ये जो कैलकुलेशन है 2020 की, ये जो ईयर है 2020, ये किसका चलाया हुआ है, ये जो कैलकुलेशन है ये किसकी चलाई हुई है, तो ये अंग्रेजों की चलाई हुई है। और अंग्रेज जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो ईसाई होते हैं, तो उन्होंने जो ये चीजें चलाई वो अपने हिसाब से चलाई, और उनके देवता है ईसु मसीह, ईसा मसीह जिसको अपन कहते हैं, ईसा मसीह के हिसाब से उन्होंने टाइम को बांटा। तो उन्होंने ईसा मसीह टाइम को दो प्रकार से बांटा उन्होंने, एक तो ईसा मसीह के पैदा होने से पहले का टाइम, और एक ईसा मसीह के पैदा होने के बाद का टाइम। बस टाइम को उन्होंने, टाइम की जो बीच की जो सीमा है वो ईसा मसीह के जन्म को माना उन्होंने। तो यहां पर देखिए, बर्थ ऑफ क्राइस्ट यहां लिखा है, मैं आपको और इसको इनलार्ज करके बताना चाहूंगा। यस, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट ईसा मसीह को कहते हैं। तो ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म, ये बीच की लाइन है, देखो एकदम बीच की जो जीरो लाइन है वो ईसा मसीह का जन्म है। अब ईसा मसीह के बाद का टाइम और ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम, इस तरह टाइम को दो भागों में इन्होंने विभाजित किया और इसको नाम दिया ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का टाइम है वो बीसीई, यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन इरा। ये सीई जो लिखा है इसका मतलब है कॉमन इरा। कॉमन इरा मतलब सामान्य समय, यानी जिसको सब मानते हैं उसको कॉमन इरा नाम दे दिया, यानी पूरी दुनिया में इसको प्रचलित कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों का साम्राज्य बहुत फैला हुआ था पहले, तो उन्होंने चीजों को कॉमन मानने लगे, वो उनके द्वारा जो चीजें थी वही चलती थी पूरी दुनिया में, तो इसलिए इसको कॉमन इरा शब्द नाम दिया गया, कॉमन इरा। उनके ईसा मसीह के बर्थ यानी उनके जन्म के बाद का जो समय है वो कॉमन इरा कहलाता है, सीई। जहां भी सीई का मतलब है कॉमन इरा, मतलब ये समझ जाना चाहिए कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम बताया गया। मान लो कोई कहता है 2000 सीई, तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद, साल बाद की बात हो रही है। और ये कॉमन इरा के आगे बी और लगा दिया तो बिफोर, बिफोर कॉमन इरा। तो ईसा मसीह का जो जन्म है वो कॉमन इरा कहला, वहां से कॉमन इरा शुरू होता है,
ईसा मसीह के जन्म से कॉमन ईरा स्टार्ट होता है। अभी 2020 चल रहा है ना, तो ईसा मसीह के जन्म को 2020 साल हो गए। इसका मतलब ये है, ये जो अभी अपन जो ये कैलकुलेशन यूज करते हैं, टाइम काउंटिंग की, समय गणना की जो पद्धति अपन चलाते हैं, ये इंडियन नहीं है। इंडिया में तो 5000 से ज्यादा साल हो गए इसको, विक्रम संवत को, यानी विक्रमादित्य ने एक संवत चलाई थी जिसको 5000 से ज्यादा साल हो गए, तो वो उसी को 5000 साल से ज्यादा तो विक्रमादित्य को हो गए। विक्रमादित्य तो बहुत बाद के थे, उनसे पहले तो बहुत चीजें हो गई थी। तो इनका अंग्रेजों का जो इतिहास है वो ईसा मसीह, यानी इन्होंने ईसा मसीह के जन्म से ही अपनी काउंटिंग शुरू की टाइम की, और उससे पहले की उससे पहले का जो टाइमिंग है वो उससे पहले का घोषित कर दिया, और जीरो से शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के समय से शुरू की इन्होंने। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि इस यहां पर जो लिखा है बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसका मतलब है ईसा मसीह का जन्म। तो टाइम को अंग्रेजों ने, या क्रिश्चियन जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे, या जो ये टाइम पीरियड बांटने वाले लोग थे, इन्होंने टाइम को इसके आधार पर डिवाइड कर दिया, एक तो ईसा मसीह के पहले का टाइम और एक ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर सीई का मतलब है कॉमन ईरा, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना आपको, सीई का मतलब कॉमन ईरा, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। जीरो से स्टार्ट होता है जो कि आगे बढ़ता जाता है, 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और इससे पहले का अगर आप 1000 BCE बोलते हैं तो इसका मतलब है बर्थ ऑफ क्राइस्ट से 1000 ईयर्स पहले की बात हो रही है। तो BCE का मतलब है बिफोर कॉमन ईरा, और ये है कॉमन ईरा। तो ये चीजें आपके समझ में आई होगी, और मैं अब आपको ये जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है वो अब आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। टाइमलाइन, समय की रेखा, कि समय की जो रेखा चलती है वो कैसे उसमें चीजों को बताया जाता है, कैसे घटनाओं को बताया जाता है। इट टुक ह्यूमंस सेवरल थाउजेंड ईयर्स, इसने लिया मनुष्य के सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कई हजारों वर्ष, इस चीज ने मनुष्य के कई हजारों वर्ष लिए टू प्रोग्रेस फ्रॉम बीइंग केव ड्वेलर्स, प्रोग्रेस यानी विकसित, विकास होने में, फ्रॉम बीइंग केव ड्वेलर्स, केव ड्वेलर्स, ड्वेलर्स का मतलब मैंने पहले भी बताया है निवासी, केव ड्वेलर्स यानी गुफाओं के निवासी से, टू क्रिएटिंग हाई डेवलप्ड सिविलाइजेशन, टू क्रिएटिंग यानी बनाना हाई डेवलप्ड यानी उच्च विकसित सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, टाउन्स यानी कस्बे एंड सिटीज यानी शहर, यानी गुफाओं में रहने वाले लोगों से शुरू करके और उच्च विकसित सभ्यता, कस्बे और बड़े बड़े शहर, यहां तक का जो विकास हुआ है। गुफाओं में जब लोग रहते थे, जब गुफाओं में रहने वाला मानव था, वहां से लेकर और आज जब सिविलाइजेशन डेवलप हो गया है, जब सभ्यता विकसित हो गई है, टाउन्स डेवलप हो गए हैं यानी कस्बे बन गए हैं, सिटीज डेवलप हो गए हैं, शहर डेवलप हो चुके हैं, ये जो टाइम था, ये जो विकास हुआ है मनुष्य का, इसने मनुष्य के कई हजार साल लिए हैं, यानी कई हजार साल लगे हैं इसमें। फिर से मैं इसको एक बार रीड करता हूं पूरे को। इट टुक ह्यूमंस सेवरल थाउजेंड ईयर्स, इस चीज ने मनुष्य के कई हजारों वर्ष लिए हैं टू प्रोग्रेस, विकास करने के लिए, फ्रॉम बीइंग केव ड्वेलर्स यानी गुफाओं में रहने वाले से लेकर, टू क्रिएटिंग बनाने तक, क्या बनाने तक, हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशंस, उच्च विकसित सभ्यता, टाउन्स एंड सिटीज, कस्बे और शहर। तो वहां से गुफाओं में रहने वालों से लेकर, यानी केव ड्वेलर से लेकर के, और इस टाउन और सिटीज तक आने में हजारों साल लगे हैं। हैंस, इस कारण वी स्टडी, हम पढ़ते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास को, इन थ्री ब्रॉड डिविजन्स, तीन बड़े डिविजन्स यानी भागों में, हम इतिहास को तीन बड़े डिविजन यानी भागों में पढ़ते हैं। एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास,
मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकाल का इतिहास एंड मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास। हजारों साल का इतिहास है मानव का, जब वो गुफाओं में रहता था वहां से लेकर आज तक का जो इतिहास है वो हजारों वर्षों का इतिहास है। तो उसको इसीलिए हम थ्री डिविजन्स में पढ़ते हैं, तीन भागों में पढ़ते हैं। एक तो है एंसिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकाल का इतिहास एंड मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर नाउ, समय हो गया है कंप्लीट वीडियो का, वी हैव टू फिनिश द वीडियो, वीडियो को हमें फिनिश करना पड़ेगा। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में। डू योर वर्क कंप्लीट इन ए वेरी गुड हैंडराइटिंग, अपना जो भी वर्क मैंने दिया है वो बहुत ही अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में कंप्लीट करें। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। एंड यूज योर टाइम एंड लर्न द थिंग्स आल्सो, और चीजों को लर्न करने की भी कोशिश करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू एंड बाय।